हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के बाद बवाल, परिवार वाले कर रहे हैं प्रदर्शन। गाजियाबाद के पत्रकार की मौत के बाद परिवार में मातम, परिजनों ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा, परिवार धरने पर बैठे, डीएम के आने तक पोस्टमार्टम न होने की धमकी दी। पटना में एनएफसीएच के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा को हटा दिया गया है। इस अस्पताल में भारी अव्यवस्था की खबरें सामने आई हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा खुलासा, कोरोना वैक्सीन का 98% काम पूरा। पुणे में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम भी शुरू, दिसंबर तक बाजार में आ जाएगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के दिल्ली में किए गए सीरो सर्वे में बड़ा खुलासा, दिल्ली के करीब 1/4 लोगों को कोरोना होने का पता ही नहीं चला। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 करोड़ के पार, 90 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अब सता रहा है कोरोना का डर, व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप रोजाना कई बार कराते हैं कोरोना का टेस्ट। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार, अब तक 1,45,000 लोगों की मौत। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा स्पीकर के पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, कोर्ट में स्पीकर के नोटिस पर चल रहा है मामला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुग्राम के घर में शिफ्ट होंगी, स्थायी तौर पर रहने के लिए दिल्ली में घर देख रही हैं प्रियंका। चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के कमांडर्स का 3 दिवसीय सम्मेलन आज से दिल्ली में, राजनाथ सिंह करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिबू सोरेन समेत राज्यसभा के नवनिर्वाचित 61 सदस्य सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। अब स्कूलों में होगी अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पढ़ाई, एनसीईआरटी ने अनुच्छेद 370 हटाने को सिलेबस में जोड़ा। भारी बारिश की वजह से बिहार के 12 जिले अलर्ट पर, एनडीआरएफ की 19 टीमें बिहार में तैनात। बिहार के पूर्वी चंपारण में कई गांवों में घुसा पानी, बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी शहर में घुसने लगा है, गांव का बुरा हाल है। दरभंगा में बाढ़ की वजह से पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ी, जानवरों के लिए चारा जुटाना भारी पड़ रहा है। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी घुसा, लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकले। गोरखपुर के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों एकड़ की फसल तबाह। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई गांव में पानी घुसा। यूपी के गोंडा जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई गांव जलमग्न। असम के चिरांग जिले में बाढ़ से बुरा हाल, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। बिहार के दरभंगा में तो बाढ़ से बेघर हुए लोग हाईवे पर रहने को मजबूर हैं। बिहार के दरभंगा में एक गर्भवती महिला का ट्यूब की नाव पर हेल्थ सेंटर ले जाना पड़ गया। बिहार के बीजेपी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का निधन, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पटना के एम्स में भर्ती थे सुनील। यूपी में कोरोना पर नई डिस्चार्ज पॉलिसी, गंभीर लक्षण नहीं होने पर भी डिस्चार्ज के बाद 7 दिन होम क्वारंटीन जरूरी। विकास दुबे की मां ने गैंगस्टर के भाई दीप प्रकाश से सरेंडर करने की अपील की, फरार दीप पर यूपी पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा है। कोरोना के कारण इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, शर्तों के साथ केवल छड़ी मुबारक को ही मंजूरी। बेंगलुरु के फ्लाईओवर पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में भारी बरसात बनी आफत, एक इमारत की दीवार गिरी, 3 घायल। मध्य प्रदेश के शाजपुर में किसानों की फसल बीमा की राशि किसी और ने उड़ा ली, किसानों को मिलने वाले 7 लाख रुपए किसी और ने निकाल लिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की छात्रा मनीषा ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया, 500 में से 499 अंक हासिल किए।
ओडिशा के गंजाम जिले में 95 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात। सीएम नवीन पटनायक ने बधाई। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी ने सोसाइटी गार्ड के दो भाइयों को पीट डाला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ की फसल पानी में जलमग्न। गांव वालों का बनाया बांध पानी के दबाव में टूटा। यूपी के संभल में पुलिस ने 4 एटीएम लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से फर्जी मीडिया कार्ड बरामद हुए। राजस्थान में सचिन पायलट समेत बागी विधायकों को 3 दिन की राहत। हाईकोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा। तब तक बागियों पर कार्रवाई नहीं होगी। राजस्थान में सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने गहलोत सरकार से बगावत की है। गहलोत सरकार विधायकी छीनना चाहती है, इसलिए हाईकोर्ट गए हैं बागी। गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों से कहा, चट्टान की तरह खड़े रहें, जीत हमारी होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 2021 के चुनाव में बंगाल से बीजेपी को साफ कर देंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी टीएमसी। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने पंजाबी और जाट समुदाय के लिए दिए बयान पर माफी मांगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में अब तक 1,00,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, 80% तक लोग ठीक हो रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। कृषि खरीद से जुड़े अध्यादेश का कर रहे हैं विरोध। N95 मास्क पर बड़ा विवाद छिड़ा। सरकार ने नई गाइडलाइंस के मुताबिक कहा, पहनने लायक नहीं। झारखंड के धनबाद में एक परिवार पर कोरोना का खतरा। एक ही परिवार के 6 लोगों की वायरस। नासिक के एक गांव में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। गांव वालों में दहशत। उत्तराखंड में खराब मौसम में फंसे मरीज। पिथौरागढ़ में कंधे पर मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ गया। असम के कांजीरंगा पार्क में बाढ़ की वजह से जानवरों के मरने की संख्या बढ़ी। 116 तक पहुंची संख्या। 11 गेंडे और 88 किरण डूबकर मर गए। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जमकर हुई बारिश। कई इलाकों में जल जमाव। दिल्ली में आज कई जगह बारिश की वजह से जल जमाव हो गया। शाम को जाम में फंसे रहे लोग। एमपी के उज्जैन में कुख्यात बदमाश का अवैध मकान गिराया गया, लेकिन कार्रवाई के वक्त जेसीबी मशीन पर ही मलबा गिर गया। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में पाकिस्तान की ओर से तोड़ा गया सीज फायर। मोर्टार की टांगे गए। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। सूत्रों के मुताबिक चीन बॉर्डर के पास देसी ड्रोन्स में रखी जाएगी नजर। भारतीय सेना ने दिया नाम भारत का ड्रोन। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच नेवी का MiG-29 लड़ाकू विमान उत्तरी कमान में तैनात किया गया। एयरफोर्स के साथ LAC पर निगरानी करेगा MiG-29। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोलैंड के गोकलो यूनिवर्सिटी को कहा शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला की प्रस्तुति की थी। राइटर चेतन भगत ने फिल्म निर्माता विधुवीरेंद्र चोपड़ा पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा, फिल्म सीडीएस की कामयाबी का श्रेय विधु ले गए और मेरी पब्लिकली मानसिक शोषण करते रहे। सुशांत सिंह की मौत पर चल रहे घमासान पर बोली विद्या। कहा, किसी की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। सुशांत की आत्मा को शांति मिले। टीवी पर होगी कपिल शर्मा की वापसी। इस वीकेंड से होगा द कपिल शर्मा शो का नया प्रसारण। द कपिल शर्मा शो में सबसे पहले मेहमान बनेंगे सोनू सूद। कोरोना काल में सोनू सूद लगातार मजदूरों की मदद करते हुए हीरो बन दिखाई दिए। खबर है कि यश राज फिल्म बैनर्स चले अगली फिल्म में विकी कौशल नजर आ सकते हैं। ये फिल्म कॉमेडी होगी। दीपिका पादुकोण पति रणधीर के लिए हेयर स्टाइलिस्ट बनी। रणधीर को नया लुक दिया। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के लिए पोस्ट लिखा। जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया था। फिल्म थप्पड़ के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया। लिखा, बॉलीवुड से इस्तीफा देता हूं।